अजमल साहब, चाहे मिनिस्टर आए या कोई एम्बेसडर आए, बाबू वेडिंग बेल्स भरोसे और एतमाद का नाम है। आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप ऐसा करें कि आप शाम को आ जाएं, मैं आपको एस्टिमेट भी दे दूंगा और मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा। ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मट्टी कहाँ है? क्या खुद ही जाकर देखना पड़ेगा? मती, आई स्वेयर मम्मा, ये ससुराल नहीं, एक टॉर्चर सेल है। और यहाँ ना सिर्फ गुलजार अंकल का अंधा कानून चलता है। रूमी, गलत बयानी मत करो, उस घर में गुलजार साहब सबसे हम्बल और सबसे लविंग पर्सन है। हाँ, वो बहुत स्वीट है, इसलिए तो मेरा फोन छीन कर रख लिया अपने पास। हाँ, तो इसके पीछे भी तुम्हारी और हाशू की कोई मस्ती होगी। आई प्रॉमिस, कोई मस्ती नहीं है, बस उनको शौक है कि हम सांस भी ना उनसे पूछ कर ले। हर दिन कोई नई पाबंदी लगा देते, तो दम घुटने लगा इस घर में। ऐसे तो नहीं लगते गुलजार साहब। मैंने तो स्वीटी को साफ साफ कह दिया है, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, या मुझे अलग करे या मुझसे अलग हो जाए। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगा, कल से साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। बेटा, आप तहम्मुल से काम लो और सब घर वालों को समझने की कोशिश करो। मम्मा, तो वो भी तो अपने भावों को समझने की कोशिश करें। इस घर में प्रिवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बच्चों के दोनों बच्चे मुंह उठा के किसी भी कमरे में घुसाते हैं, समझे, हर कोने में सीसीटीवी कैमरा घूम रहा होता है। ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन बेटा तुम भी तो कुछ समझो ना, ऐसे नहीं करते, एडजस्ट करते। प्रेजेंटेशन तो बहुत जबरदस्त थी आपकी। अरे थैंक यू यार। सर, लगता है अगला प्रोजेक्ट भी आपको ही मिलेगा। हमें अपनी टीम में रखना मत भूलिएगा। मैं भी इंशाल्लाह जरूर रखूंगा। हेलो अरम स्पीकिंग। अरम के कुछ लगते हैं तुम्हारी भाभी का हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही है। मेरी बात कर रहा हूँ उनसे। अरे नहीं करवा सकता, वॉशरूम है। और तुम उनके फोन में क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा था पिंकी से छुप के। अच्छा, अपनी भाभी को बताओ कि मैं उनके हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अरे चले जाए, कुछ नहीं कहेंगी वो। अल्लाह हाफिज। ये सारी फिल्में हमारे घर में क्यों पैदा हुई है यार? थैलेसीमिया माइनर भी हैं आप? जी। कंसीव करने के बाद कोई टेस्ट करवाया था आपने? नहीं। अच्छा, आ गई है? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आ गई हैं इनकी, आप पीछे आइए। क्या एज बताइए आपने अपनी बेटी की? 15 साल। डॉक्टर शब्बीर ने भेजा आपको यहाँ पर? जी, हमारे पड़ोसी हैं वो। ये छोटी बच्ची की आपने शादी करवा दी है, ऊपर से थैलेसीमिया माइनर भी है, ये जुल्म नहीं है इसके साथ? हमारे खानदान में तो इसी एज में शादियाँ होती है। आप वेट कीजिए, मैं बस डॉक्टर शब्बीर से मिल के आती हूँ।